यहाँ पर आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें, और ये अपडेट है ईद उल फितर के चांद के हवाले से। ईद उल फितर के चांद के हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। आपको बताते चलें कि रमा साल 2023 में ईद उल फितर कल होगी या फिर परसों। वक्त से पहले माहरीन महकमा मौसमियात, माहरीन फलकियात, मरकजी रोहितलाल कमेटी, जोनल रोहितलाल कमेटी और दीगर मुफ्ती मुनीब रहमान और दीगर जो साइंस के मेम्बरान हैं उनकी तरफ से अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। क्या बयान जारी किया गया है उनकी तरफ से, माहरीन फलकियात का क्या कहना है। महकमा मौसमियात ने रोज़े 29 होने की पेशनगोई की थी। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करने। यहाँ पर आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें कि ईद उल फितर का इस पर पूरी कौम इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर अहम तरीन अपडेट सामने आई है चांद की शहादतों के हवाले से। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में हर साल चांद की शहादत देकर और चांद की उम्र देखकर जो है वो ईद उल फितर या रमज़ान का फैसला किया जाता है। तो इस हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। आपको बताते चलें पाकिस्तान ने रवा साल ईद उल फितर कुछ अपडेट्स के मुताबिक 22 को, कुछ के मुताबिक 21 को मनाई जाएगी। तो इस हवाले से मरकजी रोहितलाल कमेटी इसमें गुफ्तगू कर रही है, इसका हतमी ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। जो ही आता है आपको बताएंगे, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब।